लोग अच्छे से होंगे। एंड गाइस आज है संडे एंड आज है मकर संक्रांति। तो भाई सबसे पहले आप सभी लोग को हैप्पी मकर संक्रांति। एंड गाइस उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे एंड बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, बिकॉज आज तो भाई पतंग उड़ाने वाले दिन है। और भाई मैं भी बहुत ज़्यादा पतंग उड़ाया करता था पहले, बट अभी 2-3 सालों से मेरे शौक जो है ये पतंग वाले ख़त्म हो चुके हैं। अदरवाइज मैं भी ब्लॉग बनाने नहीं निकलता, अभी मैं मिलता आपको अपनी छत पे पतंग उड़ाते हुए और चिल्लाते हुए। गाइस वो भी क्या दिन थे एंड ये भी क्या दिन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, जो पहले था उसके लिए भी एंड जो है अभी है उसके लिए भी एंड जो इंशाल्लाह आगे होगा उसके लिए भी। तो भाई अभी हम लोग चल रहे हैं संडे राइड पे अपने। एंड गाइस फ्यूल भी कम है तो चलते हैं पहले पेट्रोल ले लेते हैं, बिकॉज 2 पॉइंट ही दिख रहा है मुझे। गाइस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आज किसने कितने पतंग काटे हैं। तो भाई मुझे गिन के बताना कि आज तुमने पतंग कितने काटे हैं और कटे कितने हैं, बिकॉज यार मैं भी जब पतंग उड़ाता था ना तो मैं भी जितने भी पतंग काटता था उतना मैं काउंट करता था और जितना कटता था उतना काउंट करता था। तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बिकॉज मैं तो नहीं उड़ा रहा हूँ, बट मेरे कज़न वगैरह हैं जो उड़ा रहे हैं अभी भी। और तुम्हारा भाई निकला हुआ है अभी अपने राइड पे। भाई साहब ऐसे यार दूर से ही बंदों के रिएक्शन आ जाते हैं। तो भाई अभी आ चुके अपन इंडियन ऑयल, अभी लेगा तुम्हारा भाई पेट्रोल। तो भाई से अपन ले रहे हैं अभी पेट्रोल और भाई फिर पेट्रोल लेके निकलेंगे इधर से। एक्स्ट्रा प्रीमियम है ना? हाँ नॉर्मल नहीं दे रहे ना? तो भाई से अपनी हो चुकी है पेट्रोल फिल। और भाई कभी भी इसमें नॉर्मल पेट्रोल नहीं, हमेशा एक्स्ट्रा प्रीमियम या स्पीड लेना। आज मकर संक्रांति की वजह से यार रोड बिल्कुल क्लियर है आज का, तो भाई ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह भी मुझे नहीं दिख रही है। एंड मैं ऐसा ही ढूंढता हूँ भाई कि ट्रैफिक ना मिले ताकि मैं बाइक पूरा ढंग से चला सकूँ, बिकॉज अभी तक मैं 3 गियर से ऊपर इस बाइक को नहीं ले गया हूँ। थोड़ा बाइक को भगाते हैं बिकॉज आज ये मौका मिला है थोड़ा। भाई इसको खींचने के बाद नहीं कर लगी मजा आता है यार। चलाने लायक नहीं है भाई, टोटल 4 मोड है इसमें। एंड अभी मैंने ट्रैक्शन भी ऑन करके रखा हुआ है ताकि ये रिली ना मारे। भाई यार एक अलग वाली फील आती है सच में, बट अभी मैं इसे रैन मोड से
चेंज करके इसे एक बार रोड मोड भी चलाऊंगा। और गाइस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताओ गाइस आपको अब ये वीडियो देखने में कैसा लग रहा है, एंड वीडियो देखने में आप लोगों को मजा आ रहा है या नहीं। जब से Z900 लिया हूं मैं, तो बस ये आप सभी लोगों का प्यार है जो आप मुझे यहाँ तक ले आए। एंड ये मैं सच रियलिटी बता रहा हूँ, मैं ये आप लोगों के बदौलत एंड आप लोगों का इतना सारा प्यार देख के मैंने ये बाइक लिया था कि आप लोग मुझे और ज़्यादा प्यार दो। एंड गाइस जो लोग भी मेरे चैनल को देख रहे हैं प्लीज़ वो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, अगर सब्सक्राइब नहीं है तो, या जो लोग नए हैं वो भी सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। भाई जो भी मेहनत कर रहा है आप लोगों के लिए ही कर रहा है, एंड अपने वीडियोस के लिए कर रहे हैं ताकि आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार दो एंड मेरे वीडियोस को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके देखो, और मैं आप लोगों को ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट ला के दूँगा। अगर आप लोगों का कुछ डिमांड है तो आप मुझे वो भी कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता सकते हो कि यार आप लोगों का डिमांड क्या है। बट गाइस ये ज़रूर बताना कि अभी वाली वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है, पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। पिछला वाला जो वीडियो जो मैं जिसमें मैंने आप लोगों को एक गॉस से चेक करके दिखाया है अगला बॉबी कैंड एसी वगैरह का, जो कि फर्स्ट कॉपी है, तो मैंने उसे लगाया बट साउंड कुछ बेहतरीन नहीं आ रही थी मुझे, तो मैंने उसे छोड़ दिया। एंड उनके पास जो है ना वो बेंड पाइप ही नहीं था, एंड मैंने सोचा यार चलो अगर लगवाएंगे गॉस तो बढ़िया वाला लगवाएंगे एंड फुल सिस्टम लगवाएंगे ताकि आवाज़ इतनी लाउड हो बाइक कि आपको दूर से ही पता चल जाए कि हाँ बाइकर अभी आ रहा है। एंड वो इधर का रोड ही बन चुका है भाई, इसको भी थोड़ा थका के देखते हैं। कहीं भी खुली हुई नहीं है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो
लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। जिन लोगों ने भाई के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।